कहते हैं जब एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित बनता है। इसी अवधारणा के निहितार्थ आज का ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। छात्रवृत्ति 2020-21 स्कॉलरशिप अलर्ट ओके ओनली फॉर गर्ल्स छात्राओं के लिए। बिफोर स्टार्टिंग मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करा रहा है। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए छात्रवृत्ति 5000 रुपीस और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 6000 रुपीस प्रदान की जाती है। कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली उन अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड हासिल किया हो और छात्रा के माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन अपलोडेड आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, छात्राएं ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व MAEF की वेबसाइट अर्थात www.maef.nic.in पर उपलब्ध योजना के दिशा निर्देश का संदर्भ ले सकती हैं। दैट्स मीन कि इसके रिगार्डिंग सभी गाइडलाइंस आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। आवेदकों को ये सलाह दी जाती है कि वह स्कूल सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर ले और योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य अन्य दस्तावेजों के साथ संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित कर उसी की स्कैन कॉपी अपलोड कर दे। छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दैट्स मीन DBT प्रणाली द्वारा चयनित आवेदकों के बैंक खाते में सीधे अंतरित कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र अथवा इस संबंध में किसी अन्य सेवा के लिए कोई शुल्क प्रभार नहीं है। इस प्रयोजन के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की भारत में अन्य कोई शाखा अथवा प्राधिकृत कार्यालय ऑब्लिक एजेंसी नहीं है। टिप्पणी भी है, इम्पोर्टेंट नोट भी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन, ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को केवल हिंदी या अंग्रेजी में अपलोड किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। MAEF को हार्ड कॉपी डाक द्वारा ऑब्लिक हाथ से भेजने ऑब्लिक जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स मीन ये कम्प्लीटली ऑनलाइन व्यवस्था है। उम्मीद भी है कि आप सब इस महत्वपूर्ण अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे, इस अवसर का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड साथ ही इस चैनल को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर एक न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए।